अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड तो हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोड कमाना पड़ता है। आखिर दंगल क्यों जरूरी है? ये मूवी चीन में सबसे ज्यादा क्यों चली थी? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म दंगल के बारे में। दंगल मूवी में आमिर खान ने एक यंग और ओल्ड महावीर सिंह के दोनों किरदारों को बहुत अच्छे से निभाया था, और उनकी चारों बेटियों के रूप में फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, जायरा वसीम और सुहानी भटनागर ने भी सुपर परफॉर्मेंस दी थी। और इस फिल्म के गाने को प्रीतम ने बेहतरीन तरीके से दिया था, जिसके साथ अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स भी सटीक बैठे थे और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छे से कनेक्ट हुआ था। इस फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन भी काफी लाजवाब था, जो कहानी बांधे रखता है। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि महावीर सिंह के बारे में पता होते हुए भी सभी इस कहानी को लास्ट तक देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। फिल्म के डायलॉग्स भी आपको इमोशनल करते हैं और उसी के साथ साथ हंसाते भी हैं। लेकिन ये फिल्म हमारे समाज को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देती है कि लड़के और लड़कियों में कभी भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और कहानी तो वैसे आप सबको पता ही है, लेकिन इसके आने वाले पार्ट की कहानी क्या होगी, इसका आइडिया हम दंगल फर्स्ट पार्ट से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हरियाणा के भूतपूर्व कुश्ती पहलवान महावीर फोगाट और उनके परिवार और कुश्ती से रिलेटेड बातों को दिखाया गया है, क्योंकि हर माँ बाप के जैसे उनका भी एक सपना था, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी बेटियों को अपनी ताकत बनाया और कुश्ती के अखाड़े में गीता और बबीता को उतारा। उन्हें हर बार लड़कों से लड़ना पड़ता था, लेकिन महावीर सिंह ने उन्हें हर बार मोटिवेट किया और उन्होंने भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाकर प्राउड मोमेंट क्रिएट किया। दंगल की कहानी ने एक अलग छाप छोड़ी थी और इसीलिए आमिर खान इसके सेकंड पार्ट को करने के लिए पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इस फिल्म ने देश और विदेश हर जगह अपनी धूम मचाई थी। जैसे चीन में सोशल मीडिया के माध्यम से दंगल की कहानी ने थिएटर्स में रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिया था, क्योंकि चीन में भी लड़कियों को पहले आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, और यही वजह थी कि इस मूवी के साथ वो इमोशनली कनेक्ट कर पाए थे, क्योंकि चीन और भारत की संस्कृति भी एक जैसी ही है। यहाँ माँ बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ करते हैं, और इस मूवी में टेक्नोलॉजी का यूज कम करके एक आम इंसान और उसके आसपास की रियलिटी दिखाना भी चीनी लोगों को काफी पसंद आया था, क्योंकि इन्हीं बातों से लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं। वही चीन में फेमिनिज्म पर बनने वाली मूवीज भी काफी पसंद की जाती है। चीन में इंडियन बॉलीवुड को लेकर एक धारणा भी बनी हुई है कि यहाँ की पिक्चर्स काफी लंबी होती है और म्यूजिक और डांस ज्यादा दिखाया जाता है, लेकिन दंगल मूवी की कहानी इन सब बातों से हटकर और दमदार थी, और इसमें कहानी पर ज्यादा फोकस किया गया था, और इसीलिए चीन में आमिर खान सबके लिए आइडियल बन चुके हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि आमिर खान की मूवी चीन में इतना कमाल कर पाई थी, क्योंकि 2009 से पहले उन्हें बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन कॉमेडी ड्रामा थ्री इडियट्स ने उन्हें स्टार बना दिया था, और ये फिल्म चीन की 12th फेवरेट मूवी थी। और इसके बाद धूम 3 जो 2000 स्क्रीन्स पर लगी, और फिर नंबर आया पी के मूवी का जो 4600 स्क्रीन्स पर लगी, जबकि दंगल ने करीब 9000 से ज्यादा स्क्रीन्स के साथ लगभग 1200 करोड़ कमाए थे। और इसी बात पर चीनी डायरेक्टर ई होंग पो कहते हैं, दंगल की कहानी हमें मोटिवेट करती है, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी को बनाने में मेहनत की गई है, उससे हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी एक प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ इसी जज्बे की कमी है, लेकिन उन्होंने इस मूवी को 10 में से 10 नंबर दिए थे।
इस तरह आज हमें भी प्राउड होना चाहिए कि हम भी एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं जहां के खेलों ने ही हमें आसमान तक पहुंचा दिया है। और नितेश तिवारी इसीलिए दंगल 2 की कहानी फिर से हमारे सामने पेश करेंगे और उम्मीद है कि इसकी कहानी भी हर फॉरेन कंट्री में ऐसे ही तारीफें बटोरे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार दंगल 2 में कुश्ती का कौन सा लेवल सेट किया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।